दंगा लूट मामले में बिहार पुलिस ने कमाल कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, सात सात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या पुलिस के हाथों लूट का सामान लगा, एक ग्राम सोना या चांदी की बरामदगी हुई? जवाब है नहीं। हाँ, अपराधियों के पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो बाइक जरूर बरामद हुई। अब बिहार पुलिस चाहे लाख अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन जब अपराधियों से लूट का सामान बरामद ही नहीं हुआ, जब अपराधी खुद कह रहा है कि वो नहीं, उसका भाई इस पूरे मामले में शामिल है, उसे केवल शक के बिना पर उठा लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? सर, शादी था, ठीक है, मामला ने तो दोस्त फोटो नहीं खिंचाता, फोटो खिंचाए थे, फोटो के कारण उठा लिया हमको। तो जो अपराधी घटना को अंजाम दिया था वो फोटो में तुम्हारे साथ था क्या? हाँ हाँ सर। क्या नाम था उसका? बेसब पवन। कब मुलाकात हुई थी, मुलाकात कब हुई थी तुम लोग से? मेरा भाई है, चचेरा भाई, छोटा। अच्छा, तो कैसे घटना को अंजाम कैसे दिए, कौन प्लान किया था? प्लान हमको नहीं मालूम सर, कुछ सोना चांदी वो सब कहाँ है, किसके पास है, कौन ले गया था? हमको नहीं मालूम सर, कुछ नहीं मालूम हमको, ठीक, वो सब जानता है क्या नहीं है, हमको ना है सर, फंसा दिया हमको जबरदस्ती सर। तो कितने लोगों को जानते हैं आप? भाई मेरा अपना भाई को जानते हैं, पवन को, छोटा मेरा भाई। घटना को कौन अंजाम दिया था, किसके कहने पर हुआ था घटना, ये बताना। हमको नहीं मालूम, पवन घटना में था ना, पता कौन था ना घटना में? हाँ, नहीं हमको मालूम। अब पुलिस की सफलता की कहानी दरभंगा SSP बाबू राम की जुबानी सुनिए। 9 तारीख को यहाँ दरभंगा शहर में एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। इसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने जिला में एक विशेष टीम का गठन किया था। इसके अलावा हेडक्वार्टर से CID की टीम, SPF की टीम और SSL की टीम भी लगातार यहाँ कैंप किए हुए थे। संयुक्त रूप से काम करते हुए 3 दिन के अंदर हम लोगों ने इस कांड के उद्भेदन में सफलता प्राप्त की है और 7 स्थानीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य जो लाइनर है, सुनार का काम करता है, वो भी शामिल है। लेकिन जब SSP साहब से पत्रकार ने पूछ लिया कि लूट का सामान कहाँ है, तो SSP साहब ने कहा कि वो तो दूसरे अपराधी लेकर फरार है। ये सर, जो सामान भी कुछ बरामद हुआ है, जो लूट का सामान है, वो क्या हुआ? लूट के सामान, जो सोना की लूट हुई है, उसको जो बाहर जिला से अपराधी आए थे हाजीपुर से, वो अपने साथ ले गए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कल रात में वहाँ जो गैंग का सरगना था, उसके घर पे छापामारी हुई हाजीपुर में, लेकिन बाई चांस पीछे के मकान से वो भागने में सफल रहा। लेकिन उसके दूसरे गैंग के जो लोग हैं, वहाँ पर अभी हमारी छापामारी के लिए टीमें गई हुई हैं। उम्मीद ही जल्दी ही गिरफ्तारी होगी और वहाँ सोने की बरामदगी भी हो पाएगी। अंदर घुसे थे अपराधी, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जैसे जो मुख्य सरगना, उसके यहाँ कल रात में छापामारी हुई थी हाजीपुर में, लेकिन पीछे के घर से, दूसरे घर कनेक्ट होने की वजह से, वो छत से भागने में कामयाब रहा, और लेकिन उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। तो सुना आपने, अपराधी लूट का सामान लेकर फरार हैं और SSP साहब कह रहे हैं केस सॉल्व्ड। अब पूरा मामला क्या है, एक बार फिर जान लेते हैं। 9 दिसंबर के दिन सुबह 10:30 बजे दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने मिलकर दरभंगा के बड़े बाजार स्थित सोने की दुकान से करीब 5 करोड़ का सोना लूट लिया और कट्टे के दम पर फरार हो गए। इस बीच पुलिस प्रशासन सब नदारद रही, लेकिन अपराधियों की सारी करतूत CCTV फुटेज में कैद हो गई। हालांकि CCTV फुटेज मिलने के बावजूद सही मायने में अब तक बिहार पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में अगर पुलिस जल्द ही लूट के सोने बरामद नहीं कर पाती है, तो गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि आखिर लूट का सामान बरामद नहीं हुआ, इसके बावजूद ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि पुलिस ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का उद्भेदन कर दिया। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट।